नाम जग्गी राम चौहान है जी। मैं अभी राजीव नगर में रहता हूँ, मकान नंबर 2257। और समाज ने मेरे को अभी जिला प्रधान, कौन से समाज ने बनाया सर समाज का नाम? धोबी समाज से जिला प्रधान का मुझे पद दिया है। और मैं अपने मतलब जैसे भी मेरे जीव से जान से सबकी सहायता समाज के साथ लगा रहूँगा। जो भी मेरे साथ कोई भी समस्या आएगी, हर तरह का समाधान करने का हमारा यही हमारी इस कमेटी का विचार है। पता चला है बेटा पानी की परेशानी, इसलिए मेरे को यहाँ बुलाया। यहाँ साहब ये प्रेम नगर चलो हाँ समाज का ही तो यही है जी कि हम अभी हमारी कमेटी बन रही है, बनते बनते सारा काम का हम सही सही जो भी हमारा कोई मुद्दा है, कोई सरकार से कोई मांगे करनी है, हरियाणा लेवल पे भी हमारी पूरी समाज बनी हुई है, संस्था बनी हुई है। और हम यही चाहते हैं कि भाई हम समाज का भला करें। सर जो अभी आपका गुड़गांव जो समाज है, कौन कौन सा आपका एरिया आता है जी? हमारा पूरा गुड़गांव एरिया आता है जी, पूरा जिला भी आ रहा है। तो उसके पूरे जिला के प्रधान है? हाँ पूरा जिला के प्रधान है, गुड़गांव जिला का पूरे के प्रधान है। तो अभी जो समस्याएं आपके सामने आएगी तो किस प्रकार अपने लोगों का चुनाव किस प्रकार है? हम इस बार चुनाव की हमारे कोई समाज का शादी विवाह हुआ या कोई का मनमुटाव हो गया, लड़का लड़की ना ले जा रहा है, लड़की ना आ रही, या भाइयों में कोई मतलब मनमुटाव है, उसका सबका समाधान करके चले। छोटा मोटा कोई समाज का काम है, समाज का छोटा मोटा काम है, और समाज की कोई गरीब बच्ची है उसका भी हम अपना वो बनाएंगे कि भाई इसको कुछ सहारा मिले और हम इनकी शादी में हम कुछ मदद कर सकें। ओबीसी मोर्चा के ओबीसी के आप समाज के प्रधान बने हैं, सरकार हाँ से कोई आपके अभी तक कोई मदद वगैरह आपके पास आई है? कुछ नहीं आया अभी, कोई मदद नहीं आई अभी, तो हम बने ही हैं, हमें 2 महीना हुआ। तो सरकार से आपने अभी तक कोई लेटर लिखा है, आपको कुछ बताया सरकार को आपने अभी तक? अभी तो हमारा जो बड़े प्रधान है हमसे पहला था, उन्होंने सब कुछ लिख के दे रखा है। ओके अब वो हमको हमारा बस्ता देंगे, उसके आगे हम कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले ओबीसी मोर्चा के महामंत्री भी हैं और अब सह प्रधान भी है ओबीसी कास्ट के, तो क्या कहना सबसे पहले? सबसे पहले मैं बाबा हमारे जो संत रहे हैं गाड़गे महाराज को नमन करते हुए, हमारे संत गाड़गे बाबा की जो प्रेरणा है उन पर हम खड़े उतरते हुए, उन्होंने हमें यही सिखाया है कि समाज में जो अंधविश्वास जो फैला हुआ है उसको दूर कैसे किया जाए। हमारे जो पूर्वज बाबा हैं उन्होंने ये कहा गया था कि भाई अगर घर में खाने पीने के बर्तनों को भेज दो लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, टूटे फूटे मकानों में रह लो लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। तो हमने जो हमारे समाज ने जो हमें आज सर प्रधान बनाया है, मैं समाज के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं इनको आश्वासन देता हूँ कि आगे हम जो समाज की जो बुराइयाँ हैं उनको दूर करेंगे और समाज को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। समाज को आगे बढ़ाने में किस प्रकार के आपके पास कार्य रहेंगे? हमारे पास कार्य ये रहेंगे, सबसे पहले जो बच्चा पढ़ना चाहता है उनके माँ बाप गरीब हैं और वो अगर उस बच्चे को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, उसके लिए हमारे समाज की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाएगी और उसको अच्छे शिक्षा के मुकाम तक पहुँचाया जाएगा। महिलाओं की सेफ्टी और महिलाओं के लिए क्या सबसे पहले क्या बेनिफिट्स होंगे आपके? महिलाओं के लिए हमने एक मुद्दा चला, हमने एक अभियान चलाया है, जो भी हमारे समाज में जो गरीब व्यक्ति है जिसके पास अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसे नहीं है, उसके अभाव में वो अपना मकान बेच देता है, अपने आप को गिरवी रख देता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम समाज से एक एक व्यक्ति से जा के मिल करके चंदा इकट्ठा करके हमारे समाज की जो ऐसी लड़कियां हैं उनकी हम शादी कराने का एक सम्मेलन मनाने जा रहे हैं, उसको हम। और सेफ्टी पर्पज़ क्या होगा इसमें? सेफ्टी पर्पज़ ये होगा कि जितने भी हमारे जो लोग हैं उनको हम जागरूक करेंगे कि जो लोग शराब मुक्त हों और जो नशे मुक्त होंगे तो हमारे आप अपने आप में सेफ्टी पैदा होगी। जी मैं प्रेम नगर सेक्टर 12A में रहता हूँ। ओके जी, यहाँ हमें पानी की बड़ी परेशानी है, हमें कम से कम 2 साल से ऐसी परेशानी चली, अब तो कम से कम 6 महीना तो ऐसे होगा कि भाई एक एक हफ्ते में पानी आता है, यानी कि पिछली गली में, आगे फिर भी थोड़ा बहुत आ जाता है लेकिन ये पिछली लास्ट वाली गली है इसमें बिल्कुल पानी का तो एक एक हफ्ता हो जाता है, पूरी पूरी रात जगना पड़ता है, सुबह 4 बजे खड़े होकर देखते, कभी 5 बजे खड़े होकर देखते हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है, कभी मटके लेके इधर जाते हैं कभी दूसरों के पास जाते हैं तो जनानियों को भी बुरा भला सुनना पड़ता है, एक दूसरे को बुरी तरीके से देखते हैं लोग बाग जुए का। तो कब से समस्याएं भी आ रही है? ये अब कम से कम हमें 3-4 महीने तो रेगुलर हो ही गए हमें कम से कम।
अपने इसके लिए विधायक से मिले किसी को ज्ञापन दिया? मैं थोड़ी देर आऊंगा। पहले हम जन कितने कमिश्नरों से भी मिल लिए, मतलब डीसी के पास भी कई गए हैं और अपने यहाँ कई रोड पे भी कई बार कर दिया है, लेकिन इसका पहले ये पाइप का सर्वे भी करके लेंगे, वो फिर भी नहीं हुआ है। वो रोक दिया बीच में ही भाई, पाइप लाइन दूसरी दे देंगे, वो पाइप लाइन का काम दोबारा वहीं को ही रोक दिया है। ताकि लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।